2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है, जिसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियां कमर कसती हुई नजर आ रही हैं। देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस 9 साल से अधिक समय से सत्ता में नहीं है। सत्ता में वापसी करने के लिए कांग्रेस विपक्षी एकता का हिस्सा बनने के लिए हर तरह के सियासी समझौते करने के लिए तैयार है, लेकिन सामने 9 साल से राज कर रही बीजेपी का पलड़ा इतना भारी है कि इसे हराने के लिए पूरे देश की विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। इसी के चलते 23 जून को सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्ष के सभी बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इसके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े विपक्षी नेता मौजूद रहे। विपक्षी बैठक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, लेकिन इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल ही नहीं हुए। दरअसल अरविंद केजरीवाल का कहना है कि विपक्षी बैठक में सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश वाला मुद्दा रखा जाए, लेकिन बैठक से पहले ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कह दिया था कि अध्यादेश का मुद्दा सदन में उठाया जाएगा। ये बैठक मोदी के खिलाफ है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल इस बात से नाराज होकर बैठक के बाद वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की कवायद के बीच दोनों पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में ही भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। मुद्दा दिल्ली को लेकर मोदी सरकार के लाए अध्यादेश का है, जहां आपने दो टूक कह दिया है कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ संसद में वोटिंग का भरोसा नहीं देती, तब तक वो उसके साथ किसी भी गठबंधन या फिर मीटिंग में शामिल नहीं होगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मिजाज भी तल्ख दिखाई दे रहे हैं, जहां कांग्रेस ने भी जवाब दिया कि अपनी बात मनवाने के लिए हमारी कनपटी पर बंदूक रखी है। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस अध्यादेश पर आपका साथ देगी और क्या आप शिमला में मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होने वाली अगली विपक्षी बैठक में शामिल होगी।